हल्द्वानी से कई शहरों के लिए हवाई सेवाओं की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप में किया। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से कुमाऊं के कई शहरों के लिए शुक्रवार को वर्चुअली हवाई सेवा का शुभारंभ किया। जो हवाई सेवा संचालन करने वाली हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से भरेगा। बता दें कि इस दौरान लालकुआ विधायक डॉक्टर मोहन सिंह भिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुंशियारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी जिलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो जीवनदायन, ये जीवन देने वाली सेवा है, ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचेगा, और न केवल यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में चूँकि पार्किंग की व्यवस्था अभी कम है, उसका विस्तार हम लोग लगातार कर रहे हैं, सड़कें कई जगह पर सिंगल लेन है, उनको भी हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा, और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इसे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुंशियार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को, तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत है। ठीक है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।